दोस्तों, हनुमानगढ़ का एक युवा आशीष गौतम एक अनूठा अभियान आज शुरू कर रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट से गांधी की प्रतिमाओं से वे आज इस अभियान को आगाज कर रहे हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं क्या है अनूठा अभियान। 19 दिन 19 चौराहे और 19 मिनट का है यह अभियान। चलिए आपको सुनाते हैं आशीष गौतम इसके बारे में क्या बता रहे हैं। पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ के द्वारा नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान चलाया गया, जिसमें हम शहर के 19 चौराहों पर 19 दिन तक 19 मिनट का मौन रखेंगे। इसका सबसे बड़ा अभिप्राय यह है कि जो पिछले साल हमारी नशा मुक्त हनुमानगढ़ के तहत जो पदयात्रा थी नंगे पैर, उसके बाद सरकार ने सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की घोषणा कर दी थी, लेकिन बजट में घोषणा होने के बावजूद एक साल गुजर गया, अभी तक वहां पर एक इंच जमीन सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नहीं खरीदी गई है प्रशासन के द्वारा। और अभी भी कमोबेश ये स्थिति बनी हुई है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये सरकारी नशा मुक्ति केंद्र काम करेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर आएंगे या समाज कल्याण के अंडर आएंगे, ये भी अभी पता नहीं है। तो अगर हम लोग इस मांग को उठाना चाहें तो हम कहां जाएं, किस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करें, तो ये स्पष्ट नहीं थी स्थिति। इसीलिए क्योंकि अब दोबारा बजट सत्र भी आ रहा है, तो इस मांग को मजबूती से उठाया जाए और शहर के युवाओं को इससे जोड़ा जाए, तो हमने एक मुहिम चालू की है जो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे शुरू होकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को समाप्त होगी। इन 19 दिन के अंदर हम हनुमानगढ़ शहर जंक्शन और टाउन और आसपास के जो मेन चौराहे हैं, स्मारक हैं, वहां पर जाकर हम 19 मिनट का मौन करेंगे और सरकार से इस तरीके से हम एक अपील कर रहे हैं। सर, आम जन से सबसे बड़ी अपील यह है कि वे प्रशासन का सहयोग करें। पर बीकानेर रैंक के आईजी ने एक मुहिम चलाई थी मंशा नाम से, मंशा स्कीम, उसके तहत सभी एसपीज को अपना नंबर लोगों के बीच में बांटना था और अगर इस तरह की कोई घटना होती है, कोई नशा बेचता है करता है, तो एसपी को बताना था और वो जानकारी गुप्त रखी जानी थी। लेकिन अभी तक उस नंबर पे भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। पिछले साल हमने भी पंपलेट में वो नंबर लिखवा कर बटवाया था, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभी कलेक्टर और एसपी दोनों ही हमारे जिले के लिए नए हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि इस समस्या को वो जनता के साथ मिलकर सॉल्व करें, अपने नंबर लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उनको जानकारी दे सके। और जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों में भी मनमानी चल रही है, उसकी भी जिला कलेक्टर साहब संज्ञान ले, उनके जो नियंत्रण के लिए उनके नेतृत्व में कमेटी बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो आपकी बात सर सही है, जहां तक मुझे पता है कि अगर हर थाने के एसएचओ को उसके क्षेत्र में ये तक पता होता कि कौन आदमी वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, तो कौन नशा करता है, कौन नशा बेचता है, ये सरकार अधिकारियों को पता है। लेकिन अब वो किसके दबाव में ऐसा नहीं करते, ये भी एक देखने की स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि बहुत से पुलिस वाले खुद इस समस्या से दुखी हैं, वो इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और जनता पुलिस अधिकारियों की मदद करे और पुलिस अधिकारी जनता की अगर मदद करे, तो इस समस्या से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। सुना दोस्तों, नशा मुक्त हनुमानगढ़ इनका है अभियान, और पहले भी इन्होंने अभियान चलाया, नंगे पाँव यह अभियान चलाया था, लोगों का साथ भी मिला। और हनुमानगढ़ के अंदर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ा, न जगह मिली है, न नशा मुक्ति केंद्र सरकारी शुरू हुआ है। फिर भी ललक है युवा पीढ़ी को बचाना और हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करना, लेकिन सुनने में कहने में बड़ा जो सवाल है कि नशा मुक्त हनुमानगढ़ कैसे होगा, जब तक पुलिस का साथ, जनता का साथ और राजनेताओं की जो छत्रछाया पुलिस महकमे पर रहती है वह कब हटती है, यह तमाम सवाल युवा पीढ़ी के सामने खड़े हैं, लोगों के सामने खड़े हैं। अब देखते हैं, अभियान तो चल निकला है, आगे क्या होगा। वैसे देखा जाए धरातल पर तो नशा का जो कारोबार है वह करोड़ों अरबों में है, उसको रोकना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं होती है और पुलिस महकमा अपना मोह नशा तस्करों के साथ नहीं छोड़ती है, तब तक यह हम बात करें कि नशा मुक्त हनुमानगढ़ होगा
नहीं होगा। जब तक जनता जागरूक होगी और राजनेता जागरूक होंगे और जो पुलिस महकमा है, प्रशासन है, आम एनजीओ हैं, जब सभी जागेंगे एक अभियान के रूप में इसका विरोध करेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। और अभियान चलाना अच्छी बात है, कोई जागरूक कर रहा है तो अच्छी बात है, जागरूक करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि हम युवा पीढ़ी को नशे से दूर रख सकें। नशे से हनुमानगढ़ को मुक्त कराने में कोई किरण जागती है तो अच्छी बात है। देखते हैं आगे लोगों का कितना साथ रहता है और हनुमानगढ़ के अंदर जो अभियान चलाया है उसके जो उद्देश्य हैं उसको पूर्ति कराने के लिए कितने लोग आगे आते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।